नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में पुलिस ने अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से विवादित वीडियो सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने वालों को पुलिसकर्मी ने लात मारकर उठाया। उत्तरी जिले के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को असर की नमाज के दौरान दोपहर को 2 बजे इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इंद्रलोक में विशेष समुदाय के लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा लोगों ने उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसने नमाजियों के साथ अभद्रता की थी। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। DCP ने बताया कि घटना के तुरंत बाद संज्ञान लिया गया है। मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है। PTI न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि DCP ने विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 9 भारत से नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है। और यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।